गुड इवनिंग सर, सविता बोल रही हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, मेरे माता पिता को अल्जाइमर हो चुका है और मैं डायबिटिक हूँ। और कुछ साल से मैं देखती हूँ कि मैं बहुत छोटी छोटी चीजें अपने ही तुरंत जो करती हूँ तुरंत मैंने याद नहीं आता कि मैंने ये किया कि नहीं, तो कंफ्यूज होती हूँ बहुत बार। और लिखने के समय भी मैं देखती हूँ बहुत सारे स्पेलिंग्स जो मैं पहले इजीली लिख लेती थी, आजकल मुझे लगता है कि मुझे उसका स्पेलिंग्स लिखने समय मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कंफ्यूज होती हूँ। फिर लिखती हूँ तो पहले तो लिखने की भी घर में आदत भी नहीं थी, कुछ काम तो लिखने पढ़ने के कुछ करते भी नहीं थे, तो आजकल मैं डेली राइटिंग्स की हैबिट रखती हूँ। और शुगर तो अभी कंट्रोल में सब कुछ है, तो मुझे हेलो। आगे क्या सावधानी बरतना है तो मुझे उसके बारे में आपसे पूछना था नहीं, आपका आवाज है ना कट हो गया था, फिर से बताओ। सर। मेरे माता पिता को अल्जाइमर है हाँ। और मैं डायबिटिक हूँ, तो मैं कुछ साल से मैं फील कर रही हूँ जैसे छोटी छोटी बातें मुझे मैं भूल जाती हूँ, जैसे तुरंत मेडिसिन खाई, इंसुलिन ली और तुरंत भूल जा रही हूँ। और जैसे लिख रही हूँ तो बहुत सारे स्पेलिंग्स जो पहले इजीली लिख लेती थी आजकल कंफ्यूज होता है, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है फिर उसको फिर लिखती हूँ, तो आजकल मैं डेली लिखने की नहीं, हैबिट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यस। तो मैं आजकल डेली लिखने की हैबिट रख रही हूँ, लेकिन हाँ, जैसे छोटी छोटी बातें मैं तुरंत करती हूँ और तुरंत उसको भूल जाती हूँ कि उसमें क्या हो रहा है। और जैसे किसी से बात भी करती हूँ, लोग आते हैं तो अगर मुझे कोई बोलता है कि हाँ उसको चेहरा याद रखो तभी मुझे याद रहता है, नहीं तो फिर बात करके वो चला भी जाएगा बाद में मुझे याद नहीं। ये बहुत पहले से ही है, मैं ये क्यों होता है समझ में नहीं आता है, और उसके लिए मैं क्या सावधानी बरतूँ मुझे वो पूछना था। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि भाई आपको ऐसा डर लगता है कि आपके माता पिता को, दोनों को अल्जाइमर्स हुआ है, आपको खुद को डायबिटीज है। तभी ऐसे स्थिति में आपने क्या करना चाहिए, है ना? ये आपका सवाल है कि आपने क्या करना चाहिए ताकि भाई आपको अल्जाइमर ना होए या आपको तकलीफ ना हो, बराबर कि नहीं? सही बात है, सही बोल रहा हूं मैं? एकदम सही। यस, राइट। क्या है कि देखो, एक तो अल्जाइमर डिसीज जो है ना, वो हेरिडिटरी या हेरिडिटी कुछ हद तक है, कुछ अंश तक है। और डायबिटीज आपको है तो आपने बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, केयर लेनी चाहिए। सविता रानी, है ना? बहुत केयर लेना जरूरी है। तभी क्या क्या केयर लेना है प्रिवेंशन के लिए, मैं आपको बताता हूँ कि भाई डिमेंशन नहीं होना चाहिए उम्र के हिसाब से। तो उसके लिए क्या केयर लेना चाहिए आपको बताता हूँ। नंबर एक, आपने कम से कम शुगर खाना चाहिए। डायबिटीज है, वैसे भी कम खाती होंगी। और ज्यादा आप वेजिटेबल, सलाड, फ्रूट्स वो खाना है। और डायबिटीज कंटिन्यूअसली अंडर कंट्रोल रखना है, 140 के नीचे ही होना चाहिए आपको। आपने यदि डाइट का ऐसा रखा कि आप सवेरे नाश्ता नहीं करने का है, सीधा 12 बजे के बाद, 12 और 1 बजे के बीच में खाना खाना है, 12 और 1 के बीच में दोपहर का खाना, सवेरे कुछ नहीं खाना है, चाय नहीं, पानी नहीं, पानी पीना है, चाय नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। और ज्यादा ही आपको भूख लगती है तो आपने फल खाना है। फल केला है, चीकू है, आम है, तरबूज, खरबूज, जो भी है वो, है ना, खा सकते हैं। फिर खाने में आपने दो चीजें करनी है, दो प्लेट लेनी है। एक प्लेट में आपने रखना है सलाद, जिसमें ककड़ी मतलब कुकुम्बर, फिर कैरेट, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, पालक, जो भी आपको रखना है सलाद में वो आप रख सकते हैं, मूला, काकड़ी, जो भी है। और आपने वो कम से कम 1.5 पाव या आधा किलो खाना चाहिए। फिर बाद में खाना खाना है, जो भी खाना खाना है, रात को भी ऐसे करना है कि सलाद और बाद में खाना खाना।
मीठापन और जानवरों से तैयार किया हुआ कुछ भी नहीं खाने का। जानवरों से क्या क्या आता है, दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, अंडा, नॉनवेज, कुछ भी नहीं जानवरों से जो आता है। और फैक्ट्री से जो आता है, फैक्ट्री से पैकिंग, तो पैकेज फूड वो बंद कर देने का, पैकेज फूड नहीं खाने का। मतलब बिस्किट्स है, ब्रेड है, पिज्जा है ना, जो भी है वो फैक्ट्री से बने बनाया है, मतलब नेचुरल खाना। तो ये खाने में आप इतना रखो तो आपको बहुत इसका फायदा हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करना है, 5 से 10 किलोमीटर चलना है, और चलना सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, 5 से 10 किलोमीटर चलना। नंबर तीन, 7 से 8 घंटा सोना, सोना बहुत जरूरी है, 7 to 8 hours सोने का है। तो नंबर चार, आपको ये देखना है कि आप, मतलब बीइंग ए लेडी तो कोई सवाल ही नहीं है, हमारे संस्कृति में बैठता नहीं, मगर आप जो जेंट्स हैं उनको बोल रहा हूँ, पुरुष वर्ग, कि भाई स्मोकिंग, मतलब सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू और शराब, इनसे आपको दूर रहना। तो सविता ने आपका तो सवाल नहीं होगा, मगर आप बाकी जो जेंट्स हैं उनको बोल रहा हूँ, राइट। फिर विटामिन D3 और विटामिन B1, B6, B12, ये जो है ये आप रेगुलरली जिसमें जाना है वो लेना है, बीच बीच में आप उसके इंजेक्शन ले सकते हैं, B12, B1, B6, B12 के इंजेक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बहुत ही जरूरी, एक्टिव लाइफ जीना है, एक्टिव लाइफ। एक्टिव लाइफ का मतलब क्या हो गया, एक्टिव लाइफ का मतलब क्या हो गया, एक्टिव लाइफ का मतलब है कि आप सिर्फ बैठे नहीं है घर में, खाना खा रहे बैठे, कुछ काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। एक्टिवली आप कुछ ना कुछ कर रहे, भले आपको पैसा कमाना है तो पैसा कमाओ, पैसा नहीं कमाना है तो बिना पैसा कमाने की एक्टिविटी करो, मगर बिजी रखो खुद को, और जहां से लोगों को कुछ कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा ऐसी एक्टिविटी, सोशल वर्क करो, जो भी करना है वो करो, या फिर कोई बिजनेस आपका होगा बिजनेस करो, कुछ भी करना है, मतलब बिजी रखने का। फिर आपने देखा होगा आपके यहाँ अखबार में पजल्स आते हैं, शब्द कोड़े मराठी में बोलते हैं, शब्द कोड़े, पजल्स, वो पजल्स ये करना है, पजल छुड़वाने का है, तो उसमें क्या दिमाग लगता है, ऐसे दिमाग लगने वाले जो आइटम है ना, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, वो आइटम कुछ ना कुछ उसमें रोज 15-20 मिनट आधा घंटा उसमें डालने का, जिसमें अपने को सोचना पड़ता है, दिमाग डालना पड़ता है, वो आइटम, तो वो रोज कुछ ना कुछ वो पजल छुड़वाना है। बच्चों को हम देते हैं ना पजल छुड़वाने के लिए, वैसे अपन ने भी पजल छुड़वाने का है, तो ये आप करेंगे डेफिनेटली तो आपको फायदा होगा, और आपको चांसेस फिर कम रहेंगे बिल्कुल ही, डिमेंशिया नहीं होगा, ठीक है। वैसा फिर क्या है कि अदरवाइज ऑल्सो भूलने की आदत हमको रहती, भूलने की आदत, तो हम क्या बोलते हैं लोगों को कि एग्जिस्टेंस सिस्टम रखो, हरदम एग्जिस्टेंस सिस्टम रखना चाहिए। क्या होता है कि बहुत बार हम भूल जाते हैं कि चश्मा कहाँ रखा, फिर घूमते रहते घर में, चाबी कहाँ रखी, हैंकरचिप कहाँ है, या फिर कोई घड़ी कहाँ रखी है, या कार की चाबी कहाँ रख दिया, तो ऐसा भूल जाते हैं। तो यूजुअली हमने क्या करना है, जैसा मैं करता हूं कि अभी मेरी उम्र 67 कंप्लीट है, मैं इधर उधर कोई चीज रखता ही नहीं हूँ, मेरी चीज रखने की जगह पक्की है, मैं चीज वहीं निकाल के रखू ताकि फिर भूलने का सवाल ही नहीं आए। चश्मा उतारूंगा तो चश्मा एक ही जगह रखा हुआ है, फिक्स है जगह, ऐसा नहीं कहीं भी चश्मा उतार दिया, कहीं भी मैंने कंघी रख दिया, कहीं भी हैंकरचिप रख दिया, कहीं भी चाबी, करते ही नहीं मैं। मोबाइल में ऐसा रखूंगा और बैठूंगा ऐसा नहीं हूं, मैं कहीं भी जाता हूँ मोबाइल मेरे खिसे में रहे, मालूम है कि मोबाइल में बाजू में रखूंगा और शायद भूल गया तो मोबाइल, तो ऐसा होता है। तो ये चीजें जो है वो फिक्स जगह रखने की है ताकि भूलेंगे नहीं। फिर दूसरा, हम एग्जिस्टेंस में रखना मतलब उसकी लिस्ट बनाने का, कौन से आइटम कितने बजे करने के, जब आपको मालूम है कि ये आइटम, ये काम इतने बजे करना है, ये काम इतने बजे करना है, ये काम इतने बजे करना है, तो बराबर आप लिस्ट देख के वो काम करेंगे, मतलब दिमाग को तकलीफ देना नहीं याद रखने की, भाई कौन सा काम करना कौन सा काम करना, क्यों भूल गए तो फिर अपने को अच्छा नहीं लगता है। फिर कैलेंडर में डालो,
कैलेंडर में सब काम डालना है कि आज मुझे कौन से काम करने हैं, सब काम कैलेंडर में डाल दिया। और बाद में फिर अलार्म भी लगा सकते हैं मोबाइल में, तो अलार्म बहुत जोर से बजता है, और अलार्म जोर से बजेगा तो आपको याद आ जाएगा कि आपने मेरे को ये काम करना है, क्योंकि कैलेंडर में डालते हैं मोबाइल के कैलेंडर में, तो अलार्म जोर से बजता नहीं है, राइट। तो इस तरह का आपको याद आएगा। फिर आप जो बहुत महत्व के काम है, वो जो स्टिकर्स मिलते हैं, स्टिकर्स है ना चिपकाने के, वो आप फ्रिज पर लगा सकते हैं, दरवाजे पर लगा सकते हैं। फिर सामने जो है, समझो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे सामने बोर्ड लिखा हुआ है, और बोर्ड के ऊपर जो काम करने हैं वो काम लिखे हुए, तो आप घर में भी ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं कि आज कौन से महत्व के काम है वो लिख लेना है, और वो काम फिर करते जाना है। तो है ना, अपना क्या होगा कि याद रहा नहीं, ऐसा होगा नहीं, सब काम बराबर टाइम टू टाइम हो जाएंगे, और दिमाग को भी तकलीफ है। दिमाग को आप पजल छुड़वाने के लगाओ, याद रखने के लिए मत रखो, क्योंकि डिमेंशिया के जो पेशेंट है उनको होता क्या है, उनको रिसेंट मेमोरी लॉस होता है, रिसेंट मेमोरी। और रिसेंट मेमोरी मतलब कौन सी, जैसा अभी 7:15 है, तो मुझे अल्जाइमर डिजीज है, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैंने सवेरे क्या खाया, नाश्ते में क्या किया, भूल जाऊंगा, मुझे सवेरे कौन मिला था, भूल जाऊंगा मैं। ये श्री कृष्ण इधर मुझे सवेरे मिले थे, आज हमारी मुलाकात हुई थी, अभी ये मुझे याद आ रहा है। यदि मुझे डिमेंशिया हो गया, अभी श्री कृष्ण दिख रहे आपको, मुझे डिमेंशिया, आज मेरे को भूल जाऊं ये मेरे को मिले थे, तो फिर क्या होगा, समझो मैं भूल गया, तो भूल गया तो क्या होगा, ये श्री कृष्ण जी समझो मैं ऐसा भूल गया कि भाई आप मिले थे यही भूल गया मैं, तो क्या होगा, नहीं क्या, अपन किसको मिलने जाते हैं, हाँ। और जिसको मिले वो भूल ही गया कि मैं मिला, नहीं सामने देखने के बाद याद आता है सर, लेकिन वैसा आप जैसा बोल रहे हो वैसा होता है नहीं, मगर ये अल्जाइमर जिनको है ना, अल्जाइमर डिजीज, हाँ। उनका क्या होता है कि उनको यही भूल जाते हैं कि सवेरे आप मिले थे मेरे को, अच्छा। सामने आए तभी भी भूल जाते हैं। फिर मैं आपको पूछूंगा, अरे क्या हो इधर साहब, अपनी मुलाकात ही नहीं बहुत दिन हो गए, फिर आप बोलेंगे अरे सवेरे तो मिले थे हम, मुलाकात कैसे नहीं, तो मैं ये भूल ही गया है कि सवेरे अपनी मुलाकात हुई थी। अल्जाइमर जो अल्जाइमर डिजीज है, अल्जाइमर डिमेंशिया जो है, उसमें सवेरे आप मुझे मिले थे ये हम भूल ही गए, तो फिर उसमें होता क्या है, फिर इडोर साहब को ऐसा लगेगा कि यार मैं इनको मिलता हूँ और ये भूल जाते हैं, फिर मिलने का फायदा ही क्या है, बोले मिलू क्यों मैं, ये भूल ही जाते हैं, दुरावा जाएगा सर, दुरावा जाता है। फिर ये जो डिमेंशिया वाला पेशेंट है, उसको धीरे 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 वो कट होना चालू हो जाता है लोगों से, तो लोग कट होना चालू कर देते अपने आप को, दूर भाग जाते हैं, क्योंकि मिलके फायदा नहीं है, ये तो भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं, फिर क्या मिलके फायदा है, इनसे व्यवहार लोग टाल देते हैं, क्योंकि समझो मैंने पैसे दिए और आप भूल गए पैसे दिए, तो मैंने आपको बुलाया कि हमारे घर पे आ जाओ, आप भूल गए, तो लोग व्यवहार करना टाल देते हैं, सवेरे क्या खाया क्या पिया। फिर क्या होता है कि अभी समझो बूढ़ी औरत है और उनको याद नहीं रहता है, अब वो क्या करते मालूम है, रिलेटिव्स को कंप्लेन करें, देखो मेरी बहू कैसी है, उसने मेरे को खाना ही नहीं खिलाया, हालांकि बहू ने खाना खिलाया मगर ये भूल गई कि बहू ने खाना खिलाया नहीं, और लोगों को बाकी लोगों को रिलेटिव्स को लगता है कि देखो बहू कैसी है, ये सास जो है इसको खाना ही नहीं खिलाती है ना, ये सास है उसको खाना ही खिला नहीं रही रिलेटिव्स को, तो रिलेटिव का सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। मैं ये सेमिनार लेने का मेरा उद्देश्य ऐसा है, यदि आप ऐसे संपर्क में लोगों के आते हो तो लोगों को आपने सेंसिटाइज करना जरूरी, कह रहे हैं उनको डिमेंशिया है, और डिमेंशिया में ऐसा नहीं कि उसके तरफ बहू ख्याल नहीं दे रही है, ख्याल दे रही है, उनको खाना खिलाया मगर वो भूल ही गई कि मैंने सवेरे खाना खाया कि नहीं खाया, और वो कंप्लेन करेंगे मेरे को तो बहू ने खाना दिया ही नहीं, खाया खाना दिया ही नहीं खाने को, और बाकी लोगों को लगा है देखो भाई बहू कितनी क्रूर है कि भाई खाना नहीं दे रही सास को, तो उनको सच लगेगा। तो ये सेंसिटाइजेशन जरूरी है, क्योंकि ये लोगों के साथ में लोगों को रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग रह नहीं सकते, लोगों को रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, यस। और कुछ और क्या सवाल है आपका, एनीबॉडी?
जो आपके सवाल होंगे थोड़े से बता दें, बताएंगे तो मैं वो हिसाब से आपसे बात करूंगा। अच्छा, शकुंतला मानकर ना, स्वाति या स्वाति बोलिए, करूंगे तो ना अनम्यूट लोकाना। सर किसी का कॉल आता है और बाद में उसको कुछ कॉल करना होता है तो मैं भूल जाती हूँ सर, बहुत बार। मैसेज देना भी, हाँ मैसेज देना भी, अगर मेरे हस्बैंड को किसी का कॉल आया तो हाँ मैं बताती हूँ, ऐसी बोलती हूँ, बाद में भूल जाती हूँ। बराबर है, तो ये तो है ही, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जब मिस कॉल आता है ना किसका, तो वो लाल रंग का उसका जब अपन देखते हैं ना फोन में तो लाल रंग दिखता है। yes. तो मैं देखता हूँ कि भाई किसके लाल रंग है क्या, मैं भूल गया क्या, और वो फिर उनको कॉल कर लेता। तो अपने को ऐसे कुछ तो भी हैबिट बनानी पड़ेगी, या फिर अलार्म लगाना है कि मेरे को शाम को फोन करना है। अभी जैसा मैंने सुबह शाम को भी 6 बजे एक मैंने व्यक्ति को अपॉइंटमेंट दिया था कि आप शाम को 6 बजे कॉल करो, अब उसने 6 बजे कॉल किया, मैं समझो कहीं बिजी रहा, तो फिर वो कॉल करेंगे और मैं बिजी हूँ फिर कैसे बात करूंगा, उसको तो मैंने टाइम दिया है। तो फिर मैंने भी मेरे इसमें 6 का अलार्म लगा के रख दिया, और मैं 6 का अलार्म लगाता नहीं हूँ, 5:55 का अलार्म लगाता हूँ ताकि उस समय मैं फ्री रहूंगा 6 बजे। तो भूलने का मतलब अपने ब्रेन को देना ही नहीं कुछ तकलीफ। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ बुढ़ापे के बारे में, तो जरा खामोशी में सुनो जरा, और देखो आपको क्या समझ में आ रहा है। हर हर व्यक्ति बूढ़ा होने वाला है, हर व्यक्ति बूढ़ा होने वाला है और एक दिन मरने वाला है, मगर वो हम दिमाग में रखते हैं तो अच्छा रहे। तो बुढ़ापा जो, उसके ऊपर मैं कविता बता रहा हूँ कि बुढ़ापे में फिर से बचपन के दिन आने वाले हैं, बुढ़ापे में फिर से बचपन के दिन आने वाले हैं, फिर हम बड़ों से बच्चे बन जाने वाले हैं, फिर हम बड़ों से बच्चे बन जाने वाले, बच्चों की तरह रहना है हमको घर पर, बच्चों की तरह रहना है हमको घर पर, बड़ों की तरह बच्चे हमको धमकाने वाले, बड़ों की तरह हमारे बच्चे हमको धमकाने वाले। हम भी घूमेंगे उन गलियों में, हम भी घूमेंगे उन गलियों में जहां 4 यार मिल जाने वाले हैं। यूजली क्या होता है कि अल्जाइमर होने वाला आदमी जो है ना, वो घूमते रहता है इधर उधर, घर पे वापस ही नहीं आता, उसको रास्ता मिलता ही नहीं, वो बाहर निकलता है वापस नहीं आता, घूमते रहता है इधर उधर, रास्ता भूल जाता है। हम भी घूमेंगे उन गलियों में जहाँ 4 यार मिल जाने वाले हैं, कल तक जिनको कमा कर खिलाया है हमने, कल तक जिनको कमा कर खिलाया है हमने, अब वो 2 रोटी और 4 बातें सुनाने वाले। जिनको हमने कमा कर खिलाया है, मतलब हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, जिनको हमने कमा कर खिलाया है, अब वो हमको सुनाने वाले 2 रोटी के लिए और 4 बातें सुनाने वाले। जिनके लिए दिन रात पसीना बहाया है हमने, जिनके लिए दिन रात पसीना बहाया है हमने, अब वो हमारे आंसू बहाने वाले, अब वो हमारे आंसू बहाने वाले हैं। सबको नहीं मिलने वाले वो प्यारे फरिश्ते, कुछ शैतान भी अपना रूप दिखाने वाले। तो ऐसा है बुढ़ापा, ऐसा है बुढ़ापा। बुढ़ापे में होता क्या है कि आदमी कमाई करता नहीं है, पेंशन मिलती है तो ठीक है, कमाई के स्रोत कम हो जाते हैं, खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, बीमारियां ज्यादा बढ़ती है। आपका लड़का जो है या लड़की है, उनको बच्चे हुए हैं, और यदि कमाई लिमिटेड है तो उनको लगता है कि अभी अपने बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर खर्चा करूं कि अभी बूढ़े के ऊपर खर्चा करूं, तो बच्चों के ऊपर खर्चा करो और बूढ़े को बाद में। उनको लगता है कि बोझ है। एक हमारे डिस्टेंट रिलेटिव है, मालूम पड़ा बाद में, उनको वो लेडी को पेंशन मिलती 25,000 पेंशन मिलती है, तो उसके उनके लड़के ने उनका जो कार्ड था, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड,
उसका पासवर्ड वगैरह उसने मालूमात कर लिया। अभी बुढ़ापा है तो थोड़ा सा यारनाश का भी उसको प्रॉब्लम था लेडी को, और वो पैसे निकालता रहा, पूरे पैसे निकाल लिए उसने और अपने माँ को घर से निकाल दिया, माँ को घर से निकाल दिया। वो दूसरे रिलेटिव के यहाँ गई रात को कि मैंने कहाँ जाना अभी रात को, खाने को नहीं, रहने को नहीं, उन्होंने रख लिया उसको। पूछा क्या हो गया क्या नहीं, मालूम पड़ा कि उसने एटीएम कार्ड का पिन जो है वो मालूम करके गायब कर दिया। फिर ये जो रिलेटिव थे उन्होंने बैंक में जाके बैंक को बताया, पासवर्ड बदल दिया, रिस्टोर कर दिया सब। जैसा वो लड़के को पैसा मिलना बंद हो गया दूसरे महीने में, वो माँ को ढूंढे ढूंढे आया, पैर पड़ा, चलो 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 घर पे वापस, सब ड्रामा पार्टी, सब ड्रामा। तो ऐसा होता है राइट। तो भुलक्कड़पना होता है। तो डिमेंशिया जो है उसके लिए हमने क्या किया है कि ऐसे लोगों के लिए स्पेशली एक हमने हॉस्पिटल में एक अलग व्यवस्था की हुई, हमारे हॉस्पिटल में, कि जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं उनको घर में देखने वाला कोई नहीं है, उनको बीमारियां हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये डिमेंशिया जब हो जाता है ना, भुलक्कड़पन की बीमारी, तो उनको कभी कभी यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो यूरिन कभी कभी कपड़े में हो जाती है, कुछ ज्यादा ही हो गया तो लेटरिन कपड़े में हो जाती है, वो कहीं भी पेशाब कर देंगे। फिर कभी कभी रात में क्या होता है, रात में ये डिमेंशिया में उनको समझता नहीं अपन कहाँ है, और उनको ऐसा डिसोरिएंटेशन हो जाता है कि अपन कहाँ है, और फिर उनको नींद नहीं आती, घर के सब लोगों को तकलीफ। फिर हमने ये लोगों के लिए स्पेशली, और क्या होता है, ये डिमेंशिया में डिसइनहिबिशन होता है, डिसइनहिबिशन। डिसइनहिबिशन इसका मतलब क्या है, डिसइनहिबिशन का मतलब है कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब अदरवाइज मैं कोई लेडी को हाथ नहीं लगाऊंगा, कोई लेडी दिखे तो हाथ नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे ऊपर संस्कार है वैसे कोई लेडी को हाथ लगा के। डिमेंशिया में होता क्या है, उसका काम नहीं करता ब्रेन, तो घर में समझो बहू है तो उसको ही हाथ लगा देगा वो, इनअप्रोप्रिएट हो जाता है ना, उसको मालूम नहीं रहता कि अपन ऐसा कर रहे हैं, या और किसी को, मतलब उनको घर में रखना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने उनके लिए स्पेशली एक रिहैब सेंटर चालू किया है अकोला में। आपके परिचित जो भी लोग होंगे जिनको घर में रखना मुश्किल है, कठिन है, हो सकता है कि घर में शादी है तो ऐसा व्यक्ति घर में रखना मुश्किल हो जाता है, आपको कहीं बाहर जाना है, बाहर देश जाना है, घूमने जाना है, तो अभी ऐसे व्यक्ति को घर में से अकेले कैसे रखना, अच्छा लेकर गए तो कैसे लेके जाना, ये भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप हमारे यहाँ रख सकते हैं। आप कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, कुछ महीनों के लिए रख सकते हैं, या हरदम के लिए रख सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं कि जो हरदम हमारे यहाँ ही है, उनको खिलाते पिलाते, उनकी केयर टेक करते, टेक केयर करते हैं, और उनका प्रवेश करते हैं, देखते हैं उनको, और घर के लोग सुखी है, बोलते ठीक है, हमको घर में छोटा घर है, हमको तकलीफ होती है, घर में रखना मुश्किल है, और उनको डिमेंशिया हुआ है। तो ये अल्जाइमर का डिमेंशिया जो है वो करीब 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 65 साल के ऊपर 5-10% लोगों को हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अभी जो नया रिसर्च आ गया उसमें 5-10% ऑफ पॉपुलेशन 65 साल के ऊपर के लोग, 5-10% लोग, और 80 साल के ऊपर तो वो ज्यादा होता है, 20% लोगों को होता है, 80% लोग, ऐसा एक रिसर्च है। मतलब 100 में से 20 लोगों को अल्जाइमर का डिमेंशिया होता है। इसका मतलब क्या है कि अपना जो ब्रेन है वो ब्रेन के ऊपर प्रोटीन के पार्टिकल्स जमा हो जाते, प्लेक्स जमा हो जाते, प्रोटीन्स, फाइब्रस टिश्यू जमा हो जाता, व्हाइट प्लेक जमा हो जाते ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन काम नहीं करता, काम ही नहीं करता। तो उसकी शुरुआत एकदम अचानक नहीं होती, थोड़ी 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 शुरुआत हो जाती है, और थोड़ी थोड़ी शुरुआत धीरे 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 बढ़ते 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 वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपके कोई भी परिचित लोग होंगे तो उनको मैं नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर के ऊपर कॉल करो, आपको लेकर जाना है उनको घर से, तो हम घर से भी लेकर जाते हैं, उनको हमारे यहाँ रखेंगे। अच्छा होने की संभावना बहुत कम है अल्जाइमर से, तो वे पेशेंट पूरा अच्छा हो गया, पता नहीं अच्छा, ये बीमारी इरिवर्सिबल है। वैस्कुलर डिमेंशिया करके भी डिमेंशिया है, एक है अल्जाइमर, दूसरा वैस्कुलर, बहुत कॉमन है।
वैस्कुलर में क्या होता है कि खून सप्लाई ब्रेन का कम हो जाता है, और ब्रेन का खून सप्लाई कम हो गया तो ब्रेन का कुछ पार्ट डेड हो जाता है, मर जाता है, और उसके वजह से फिर डिमेंशिया हो जाता है। तो एक बार वो डेड हो गया पार्ट ब्रेन का, तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। ये लोगों को, डिमेंशिया के लोगों को नाम याद नहीं रहता, नाम ऐसा मुंह पे आता है, एकदम नाम ऐसा मुंह पे आ गया मगर बोल नहीं पाते। जैसा अभी इडोल साहब है, तो मैं मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि ये, और नाम याद नहीं आ रहा है कि ये श्री कृष्ण इडोल है, मतलब ऐसा हो जाता है कि अरे आपका नाम एकदम अपन मतलब एकदम मुंह पे है मगर बोल नहीं पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाता है। या फिर कहाँ है वो याद नहीं रहता, अपन कहाँ है, घर पे है, अकोला में है, जो बॉम्बे में है, वो कभी कभी वो डिसोरियंटेशन हो जाता है। अभी समय कितना हो गया, तारीख क्या है, वार क्या है, उनको छोटी छोटी बातें जो है वो कैलकुलेशन जमता नहीं है। कैलकुलेशन मतलब समझो, ऐसा बोला उनको कि एक कप चाय 5.5 रुपए की हो गई, एक कप चाय 5.5 रुपए की है तो 5 कप चाय की कीमत कितनी होगी, तो पढ़ा लिखा आदमी तो उसको ये आना चाहिए इतना, तो उसको नहीं जमता है। चलो सिंपल करते हैं कि भाई एक कप चाय 5 रुपए की होगी तो 5 कप चाय की कीमत कितनी होगी, वो बोल नहीं सकता 25 हो गई, क्यों, वो कैलकुलेशन के लिए जो दिमाग लगता वो उसको दिमाग चलता नहीं है। तो इसके लिए फिर मेडिसिन भी है, जैसा डोनेपेजिल नाम की है, दवाई है डोनेपेजिल, वो देते हैं हम, मिमेंटिन देते हैं। तो काफी सारी दवाई है कि वो दवाइयां देते हैं तो वो कम से कम अल्जाइमर डिजीज रुक जाता है, रुक सकता है, बढ़ेगा नहीं। ये मुझे बोलना था, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। शकुंतला माई ताई मानकर बोला, अनम्यूट करो, बोलो शकुंतला मानकर आपका। सर हाँ जी बोलिए सर। मुझे भी कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ बोलती हूँ या कोई काम करती हूँ, कुछ चीज रखती हूँ ना तो कहीं पर रख दिया, तो चश्मा रख दिया, कोई कपड़ा रख दिया, कोई बर्तन रख दिया, याद ही नहीं रहता है कहाँ रखा, भूल जाती हूँ। ठीक है, दवाई लेना भी समझ में आ गया ना। हाँ हाँ, अभी आपको दवाई लेना भी भूल जाती है। अभी आपको समझ में आ गया ना कि ये मेमोरी जो है, तो आपको ये देखना है, देखना पड़ेगा, मतलब जब आप मेरे पास में आएंगे तो भी आपको चक्कर आते रहते हैं, चक्कर बहुत आते, भूल जाती हूँ। ओके, और वो चक्कर आते मेरे को, गिर जाती हूँ, पीछे के टाइप, पीछे ऐसे पीछे पीछे गिर जाती हूँ। अच्छा, तो आप अकोला में आ जाओ एक बार, अकोला में आइए जी। हाँ, अकोला में आइए, हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, पूरी जांच कर लेंगे, है ना, MRI निकालेंगे, EEG करेंगे, कोई टेस्ट कर लेंगे, और बाद में आपको डायग्नोस करके दवाई देंगे। आप आ जाओ, आप कहाँ से हैं? बैतूल जिला, MP। बैतूल जिला, ठीक है, आ जाओ फिर अगले हफ्ते में आ जाओ, ठीक है जी। यस, रजनीश पटेल। हेलो सर। यस बोलिए। सर मैं बहुत दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं मुझे है ना सर हकलाने की प्रॉब्लम है, तो मैंने सर आपका वो सेशन भी लिए है, मैंने सब कर लिया, पर जो सर आपने बताया है कि मतलब इसमें दो प्रकार की मतलब होता है, मुझे इसका एक और है सर, मैं बोल नहीं पाता हूँ कुछ भी, तो उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो मुझे सर अभी लग रहा है तो मैं आपके पास आ जाऊं क्या अभी वहां पर? यहां पर देखो, बहुत लोगों को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, जैसा रजनीश पटेल जो बोल रहे हैं स्टैमरिंग, उसको बोलते हैं स्टटरिंग, स्टटरिंग या स्टैमरिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लोगों को बात साफ बात करने नहीं आती, साफ बात मतलब तबला रेती है ना, ऐसा वो अटक जाएंगे और अटक अटक के बात कर रहे। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा जो अपना चेहरा है, स्पेशली ये मसल्स जो है, ये सब आते हैं स्पाजम में, कड़क हो जाते, और जैसा उसमें स्मूथली ये पूरा जो है वो स्मूथली घूमना चाहिए ना, तो स्मूथली घूमता नहीं है, मसल्स मस्कुलर स्पाजम हो जाता है बोलने के समय, और स्मूथली घूमता नहीं है, कैसा हो गया है ना, मतलब वो सब ऐसा कड़क हो जाता है, स्पाजम आ जाता है, ऐसा एकदम रिलैक्स नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आने के बाद में बात नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उनको स्पीच थेरेपी देते हैं,
स्पीच थेरेपी है, मतलब बोलने की ट्रीटमेंट है कि अच्छा कैसे बोलना है, साफ कैसे बोलना है, उसकी थेरेपी देते हैं। उसके लिए कुछ दवाइयां हैं, वो दवाइयां देता हूँ स्पेशली। एक इसका कारण क्या है, इसका कारण है कॉन्फिडेंस का कम हो जाना। कॉन्फिडेंस का कम हो जाना, बचपन में कोई तो भी मन के ऊपर आघात हो जाना और उसमें कॉन्फिडेंस लूज हो जाना, बचपन में ऐसा कुछ तो भी हो जाता है कि जिसके वजह से मन के ऊपर घाव हो जाता है और फिर आपका कॉन्फिडेंस निकल जाता है। कॉन्फिडेंस निकल जाने के बाद में फिर बोलना साफ नहीं होता, अटकना चालू हो जाता है। तो इसके लिए हिप्नोथेरेपी देते हैं हम, हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी और कर लिया सर थेरेपी, स्पीच थेरेपी। और ये कर लिया मतलब कर लिया से कुछ नहीं होता है, ये कम से कम 4-6 महीने 9 महीने करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं थोड़ा सा कर लिया, ये कोई जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 महीने में दवा लिया तो ठीक हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता, महीने भर में ठीक नहीं होता। आपको कम से कम 4 महीने 6 महीने 9 महीने ये कंटिन्यूअसली मैं जैसा बोलता हूँ वैसी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी और सर तभी आपका बोलना साफ हो जाएगा। सर जो आपके सेशन है मैं उनको डेली 4 से 5 मतलब कभी कभी तो बहुत ज्यादा सुन लेता हूँ। हाँ। लेकिन सर आपने बताया था ना उसके अलावा भी मुझे कुछ और, आप इधर आ जाओ अकोला में आ जाओ, यहाँ रुको। हाँ। तो मैं और आपको जरा समझा के दूंगा क्या क्या करना है, ठीक है ना। अच्छा सर ऐसी कोई सर मतलब इसके बारे में हकलाने के बारे में ऐसी कोई वो है बुक सर जो मैं उसको पढ़ के मतलब ऐसा समझ सकूं? पढ़ के नहीं होता है, पढ़ के क्या होगा, वो पढ़ के कुछ नहीं होता है। आपको ऑन द कोर्ट करना है, ऑन द कोर्ट मतलब लोगों के साथ में जब बातचीत करते हैं तो क्या करना है वो आपको देखना होगा, है ना। ऑन द कोर्ट बोलते हैं उसको, ऑन द कोर्ट एक्चुअली जब काम करते हैं तो, एक्चुअली जब बात करते तो क्या करना, तो वो आपको सिखाएंगे। अच्छा ओके, तो आप अकोला आ जाओ। यस विनय जी अड़ूकिया, हाँ मैं कमेंट करना चाहता हूँ। हाँ जी, कि आपने जो भी कहा है वो 100% बहुत अच्छा कहा है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मेरे पेरेंट्स को भी अल्जाइमर हो गया था व्हेन दे वर 85-86, हमारी बुआ को हो गया था। तो मैं यूएस बेस्ड हूँ, तो यहाँ पे मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जाता था नॉर्थ शोर, और वहां के डायरेक्टर से मैंने बहुत वो मुझे एग्जामिन कर रहा था कि फ्यूचर में मुझे नहीं हो, आई एम 80 years old नाउ। तो उसने कई चीज बताई, आपने जो ये कहा कि विटामिन B1 B12 के शॉट लेने चाहिए, उसने मुझे कहा कि एक फोलविक करके दवा आती है, वो B12 कॉम्प्लेक्स है, बी विटामिन की कॉम्प्लेक्स है, उसमें B12 होता है, B6 होता है, फोलिक एसिड होती है, तीनों इन हाई क्वांटिटी। तो उसने कहा कि जिन के भी फैमिली में अल्जाइमर हो उनको ये लेना चाहिए विटामिन B12 B6 फोलिक एसिड, उसका नाम है फोलविक। सो आई वुड से दैट आई एग्री कि जितने भी यहाँ पे है अगर फैमिली में है तो दे शुड टॉक टू देयर डॉक्टर्स, डॉक्टर से बात कीजिए और आप देखिएगा। दूसरा आपने कहा कि एक्सरसाइज करना चाहिए और वॉकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो नीलेश सुराना जी ने एक स्टार्ट किया है इम्पैक्ट करके प्रोग्राम है, उसमें नीलेश सुराना जी भी उसकी एक टीम बनाई है, उसमें आप वॉक करेंगे तो उसके पैसे जनरेट होते हैं और डोनेशन होता है, आपकी एक्सरसाइज होती है और इंडिया में जो कॉर्पोरेशन होते हैं वो डोनेट करते हैं। So I think people should join it. तो एक उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वॉक करो। लेकिन आपने जो भी कहा है एकदम 100% मैं मानता हूँ, हमारे डॉक्टर ने भी यही कहा, वेरी हाई पावर्ड, वो तो 50,000 रुपए चार्ज करता है एक विजिट के, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया। यस यूएस में, अमेरिका में 50,000। आप कहाँ अभी कहाँ बेस्ड है, आप कहाँ है? शिकागो के पास में, शिकागो से पास में, तो $500 हो जाते हैं एक, या एक विजिट के 3 घंटे के वो 40,000 रुपए हो गए। बाप, लेकिन वेरी हाई पावर, हमारी इंश्योरेंस तो वो कवर करती है, लेकिन वो सब तरह की फिजिकल एक्सरसाइज कराएगा आपको, कहेगा कि
अच्छा आप ये ध्यान करिए कि टमाटर, फिर चाय का कप, फिर लैंप, फिर 5 मिनट के बाद पूछेगा मैंने आपको क्या बोला, तो आपकी मेमोरी वापस आएगी कि नहीं? आपने कहा टमाटर, लैंप, चाय का कप, किसी भी ऑर्डर में करिए वो, फिर आपने 10 मिनट के बाद में फिर पूछेगा, और मैथमेटिक्स के देगा, सुडोकू करने के लिए कहेगा, तो आपने जो भी कहा है 100% शुगर को कम कीजिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सोशल बिहेवियर कीजिए, आप सबसे मिलिए, तो उनको फायदा होगा। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ कमेंट। गुड गुड, तो आपको ये सब बताने के लिए वो डॉक्टर ने 40,000 रुपए लिए, तो सभी को रिक्वेस्ट कर दो कि मेरे खाते में 40,000 जमा कर दो। वो हर साल मैं जाता था, मैं शिकागो से 200 मील दूर रहता हूँ, तो मैं जाता था, हर साल मुझे बुलाता था, अब वो रिटायर हो गया तो मैं गया नहीं, और कोविड हो गया था, लेकिन वो फिर बड़ी रिपोर्ट लगा करके देते हैं, और उसने एक वक्त कहा कि DNA एग्जामिन करेगा, विच आई अलाउड हिम, मैं मुझे अलाउड नहीं करना चाहिए था, तो उसके अंदर DNA में अगर तुम्हारा वो E3 आया मेरा, विच इज गुड, अगर आपका E3 E4 आ जाता और E4 आ जाए तो डेफिनेट चांसेस है आपके अल्जाइमर होगा, लेकिन ये टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट करने के बाद अगर आपको पता चला कि आपका आ सकता है तो दवा नहीं दे सकते कुछ, तो इसके लिए उसने कहा, मैंने परमिशन दे दिया था, उन्होंने ले लिया, उसके बाद में उसने बोला कि इसका कुछ कर नहीं सकते, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा E3 आया। So, I just wanted to give some my comment. Okay, good, good. Good, thank you very much. Thank you. और आप विनय जी, आप आते रहते हरदम ये प्रोग्राम में, थैंक यू, थैंक यू। यस, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए। I really enjoy it. आपके प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छे है, एंड मेरा मन करता है कि मैं बहुत सारे अटेंड करूं। एक मुझे दूसरा प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, रिलेशनशिप, हम सबको प्रॉब्लम होती है, आपने भी कहा जैसे उसने अपने मदर के पैसे निकाल लिए, तो हम बुढ़ापे में अमेरिका में तो हम अपना ध्यान करके रखते हैं शुरू से ही कि भाई पेंशन प्लान आ रहा है, सोशल सिक्योरिटी आ रही है, सेविंग्स भी है, और आपने इंश्योरेंस भी ले रखी है, जैसे आपने बताया कि भाई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अमेरिका के अंदर $210 एक दिन के लगते हैं, अल्जाइमर में $210, इसका मतलब 80 से गुणा कीजिए आप, तो 16,000 का भाव चल रहा है, 82.6 का भाव चल रहा है, तो 18,000 रुपए रोज के लगते हैं, उसका इंतजाम कर रखा है, क्योंकि बोलते हैं अगर आप रिहेबिलिटेशन में जाएंगे, नर्सिंग होम में जाएंगे, तो आप 2 या 3 साल जिएंगे, तो जितने पैसे आप लगेंगे वो 3 साल का बचा के रखा है, तो बच्चों पे डिपेंड नहीं करना है, खुद के पैसे रखने चाहिए, और पासवर्ड वगैरह ये सब धीरे धीरे मेमोरी तो खत्म होगी, अब मैं भी जानता हूँ, तो कितना भी इलाज जितना भी कर सकते हैं उतना करना होगा, बाकी तो जो भगवान की इच्छा। बराबर, थैंक यू। यस, यूएस के लिए आप, आपके जो संपर्क में जो लोग हैं उनके लिए ये प्रोग्राम कर सकते हैं, मुझे बता दो आप, तो कुछ यूएस लोगों के लिए। बात ये है कि हम 80 इयर्स के हो गए, तो दूसरों को कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि हमने इतने प्रोग्राम अटेंड किए हैं, कोई पॉजिटिव करता है फिर वो आते नहीं है, तो हमको भी निराशा हो जाती है, क्या करें, जितने भी जो भी संभव है एक आधी बार करेंगे आपके जो ग्रुप में, मैं उनको कहूंगा, बट आई एंजॉय। हाँ, उनको कहो मत, उनको क्या करो कि जैसी लिंक आती है तो ऐसी लिंक मुझे आप बोलो कि ये लिंक है, आप उनको भेज दो, जितने भी आएंगे उतने आएंगे, है ना, क्योंकि समझो हमारे घर में शादी है तो हम नहीं पूछते शादी में डेट कौन सी निकालना, सबको नहीं पूछते ना, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको पूछते हैं, वैसे हम शादी की डेट निकाल देते हैं और बाद में बोलते नहीं आपको आना ही पड़ता, वैसा हम अपनी डेट डिक्लेयर करेंगे और लोगों को बोलेंगे आपको आना पड़ता है ये डेट पे, ठीक है ना, ऐसा करेंगे। गुड, थैंक यू कनिष्क, थैंक यू, धन्यवाद कनिष्क, थैंक यू वेरी मच कनिष्क, बोली कनिष्क सुरवाड़े। यस, हाँ जी बोलो कनिष्क। हेलो सर,
सर मुझे अभी कुछ दिनों से सर ऐसा अचानक से चक्कर आ रहा है, चक्कर या फिर उसको कह सकते हैं, मतलब अचानक से कुछ ऐसा पैनिक होता है और जो भी अपन कुछ देखते हैं, मतलब नॉर्मली कुछ हो रहा है तो ऐसा लगता है 3 बार या 4 बार रिपीट होता है, और ऐसा वो होने के बाद में पूरे बॉडी में ऐसा एबनॉर्मल सेंसेशन होती है, जैसे कहाँ पे टच कर रहा हूँ या फिर कोई मुझे टच कर रहा है तो एबनॉर्मल सेंसेशन टाइप फील होता है। और सर ये प्रॉब्लम पता नहीं, एमआरआई टेस्ट किया, सब टेस्ट किया, डायबिटीज सब सब नॉर्मल है, B12 नॉर्मल है, सिटी स्कैन में कुछ नहीं निकला, एमआरआई में कुछ नहीं निकला, बहुत न्यूरोलॉजिस्ट सर को बताया, सबको बताया, मतलब ठीक है हरकत नहीं, आपको मैं नंबर देता हूँ, अभी नंबर आपको देता हूँ मोबाइल नंबर, उसको कॉल करो, मेरी अपॉइंटमेंट ले लो, हम क्या करेंगे कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मैं आपको जो बोलूंगा वो मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा, है ना। ये देखो नंबर डाले हुए हैं, ये नंबर के ऊपर कॉल करो, अपॉइंटमेंट ले लो तो आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब आपका MRI नॉर्मल है, हमारा नॉर्मल है, बाकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इसका मतलब ये जो आपको तकलीफ हो रही है साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल का अपन इलाज करेंगे, मैं तो उसका डॉक्टर ही हूँ, है ना। यस सर, गुड, यस श्री कृष्ण जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। मेरे ननद के मिस्टर है, उनको 5 साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था, बहुत सीरियस हो गए थे, उनका ब्रेन का ऑपरेशन भी हो गया है, तो अभी वो चल फिर भी नहीं सकते, उनका सब मुझे मेरे ननद को ही करना पड़ता है, और वो सिर्फ वर्ड निकालते हैं, नाही नाही नाही, बस बाकी कुछ नहीं बोलते, वो बोलना बहुत चाहते हैं लेकिन नहीं बोल सकते, हमको लगता था कि बोल पाएंगे कभी तो कभी, लेकिन वो नहीं हो रहा, तो उसके लिए कुछ हो सकता है सर? दाहिने हाथ से जो काम करने वाले उनका लेफ्ट में बोलने का सेंटर होता है, और बोलने का सेंटर जो है जहाँ से हमारी वाचा आती है बोलना, वहां यदि ब्लड सप्लाई बंद हो गया, वो जो ब्रेन हिमोरेज हो गया ना, वहां ज्यादा इफेक्ट हो गया होगा वो एरिया, तो फिर बोल नहीं पाते, बोलना खत्म हो जाता, तो भी मुश्किल है। वैसे आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर से लगता तो मुश्किल है, पर एक बार मैं देख लूं तो मालूम पड़ेगा कि अभी और क्या कर सकते हैं उनके लिए, कहाँ रहते हो, कौन सी सिटी में है, शेगा। तो फिर बुला लो ना एक बार उनको, देख लूंगा मैं, ठीक है ना, एक बार देख लेता हूँ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो दवाइयां हैं, ये दवाई का मैंने बताया, हमारे यहाँ जो हमारा रिहैब सेंटर है ना, वहां मेंटल पेशेंट जो है, मानसिक रुग्ण जिनको घर में रखना मुश्किल है, सेम कारण कि भाई घर में बहुत वायलेंट हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, मारपीट करते हैं, या आपको बाहर जाना है कहीं तो वो लेके कैसे जाएंगे, उसको अकेले कैसे रखेंगे, तो उनको भी लोग हमारे यहाँ रखते हैं। वैसे अल्कोहलिक, अल्कोहल एडिक्ट जो लोग हैं, अल्कोहल एडिक्शन कि जिनको दारू की लत है, शराब की लत है और छुट्टी नहीं है, तो उनको हमारे यहाँ रखते हैं ताकि बिल्कुल ही वो कट हो जाएगा अपने वातावरण से, वातावरण से जब कट हो जाता है और हम दवाई देते हैं तो वो धीरे धीरे शराब भूलना चालू कर देता है, शराब भूल जाता है, और फिर हम शराब छोड़ने की दवा देते हैं जिसमें उसकी शराब छूट जाती है। तो वो मंद बुद्धि के पेशेंट है, इनकी बचपन से जन्म से बुद्धि कम है, उनको उनको भी प्रॉब्लम है, घर में रखना मुश्किल है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, रिलेटिव्स रह सकते नहीं है उनके साथ में, तो ऐसे कोई भी पेशेंट है जिनके साथ में रिश्तेदार ट्रीटमेंट के लिए रह नहीं सकते, उनको भी हमारे यहाँ ला के रखते हैं, वो इलाज करते हैं, इलाज करने के बाद में हम उनको इतला देते हैं कि ठीक है इलाज हो गया, अच्छा हो गया, अब लेके जाओ, फिर वो रिलेटिव आके लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का ये है बीमारी है, और इस तरह का हमारा सेंटर है, जो हमारा दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ हम लोगों को रिलेटिव के साथ में रखते हैं, जो साथ में रहने को चाहे वो साथ में रखते हैं उनका इलाज करते, और एक हॉस्पिटल में रिलेटिव्स के अलावा रखते हैं, तो ऐसे दोनों भी जगह है, और आप लोगों को बोल सकते हैं, हर आदमी जो लोगों को बोलेगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, बहुत स्पेशली हमारे यहाँ वो लोग हैं जिनके बच्चे विदेश में हैं,
तो इंडिया में कोई देखने वाला नहीं है, विदेश में है, तो फिर कैसा करेंगे? वो हमने वो उनको हमारे यहाँ ला के रखा हुआ है, वो हमारे यहाँ है, जिनके बच्चे विदेश में है वो यहाँ रहते हैं, या जिनके पेरेंट्स को घर में रखना मुश्किल है, या छोटा घर है, बॉम्बे है, पुणे है, जहाँ छोटे छोटे फ्लैट्स है तो वहाँ घर में रखना मुश्किल हो जाता है, या वो आदमी आक्रामक हो गया, मारपीट करने लगा, झगड़ा झंझट क्या होता है डेमेंशिया में यूजली, और क्या होता है कि आदमी बहुत इरिटेबल हो जाता है, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ापन। तो जब चिड़चिड़ापन हो जाता है तो घर में फिर सबसे खटक जाती है उसकी, है ना, शांति नहीं रहती है, झगड़ा झंझट होता है, तो उसके लिए भी उनको घर में रखना मुश्किल है। फिर उनको नींद नहीं आती, अभी एक आदमी को नींद नहीं आई, सबको नींद नहीं आती रात में, क्योंकि वो तकलीफ देता है बाकी लोगों को, तो ऐसे पेशेंट को फिर हॉस्पिटल में रखना ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो जिनको शराब का प्रॉब्लम है उनके लिए हमारे पास में दवाई है, शराबी लोगों के लिए दवाई है, उनको भी आप हमारे यहाँ भेज सकते हैं। और जो बाहर के उनको बताऊंगा कि अकोला में हमारा हॉस्पिटल है, अकोला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अकोला नागपुर के पास में, जो बाहर के राज्य के उनको बता रहा हूँ, जो पास में उनको तो मालूम ही है। यस, और कोई एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम खत्म करेंगे। यस, जय श्री, बोलिए, अनम्यूट करो। जय श्री जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपक सर, मुझे ना, मैं 47 इयर्स की हूँ और मुझे अभी 2-4 सालों से थोड़ा डिमेंशिया का थोड़ा सा इशू, ऐसे आपके मतलब जो आपने अभी तक हिस्ट्री बताई उस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें ना मतलब भूल जाती हूँ मैं, जैसे कहीं कुछ रखा है या दवाई लेना या किसी का नाम मोबाइल में सेव किया तो वो कभी कभी कौन सा रेफरेंस दिया था मैंने उसको, मतलब कौन है ये, ऐसा मुझे भूल जाती हूँ हर बार। और मैं जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं बहुत स्ट्रेस में रही हूँ, तो क्या इसका इससे रिलेशन है या ये डिमेंशिया इसको कह सकते हैं? हाँ, अच्छा क्या सवाल आपने। देखो आप इस में जब मैं जो बोला ना, इसमें घबराइए नहीं, नंबर एक घबराने का नहीं, क्योंकि क्या है कि सभी भुलक्कड़पन मतलब डिमेंशिया ऐसा नहीं है ना, भुलक्कड़पन आना नॉर्मल है, और जितना ज्यादा स्ट्रेस है आपको, जितना ज्यादा दिमाग के ऊपर लोड है, स्ट्रेस है, उससे भी भुलक्कड़पन आता है, फिर डिप्रेशन से भुलक्कड़पन आता है, आप डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है, नर्वस है, तो फिर याद नहीं रहता है। भुलक्कड़ बना इसका मतलब आपको डिमेंशिया हो रहा है ऐसा नहीं है, ये ख्याल में रखो, और उसे डरो मत, नंबर एक। ओके, डरने का कोई कारण नहीं है। भूलना जो है उसके लिए आपको मैंने बताया कि भाई आप सेल्फ हिप्नोसिस सीखो, सेल्फ हिप्नोटिज्म, यानी ब्रेन को कैसे रिलैक्स करना है वो सीखना है, नंबर एक। नंबर दो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। नंबर थ्री स्ट्रेस मैनेजमेंट, तान तनाव। नंबर चार डिप्रेशन है क्या और उसका इलाज, क्या आप डिप्रेस है, निराशा आती है ना, हेल्पलेसनेस है, तो वो पहले सब ऐसे जो ट्रीटेबल है वो देखना है, और बाद में सब नहीं है फिर बाद में देखेंगे डिमेंशिया, उसे डरो मत कि भाई अपने को डिमेंशिया है, क्या हो जाएगा दिमाग में एक बार घुस गया कि अपने को डिमेंशिया है क्या, तो फिर वो बाकी तकलीफ हो जाएंगे, डर जाएंगे। वैसे हीलिंग वगैरह करती हूँ मैं सर, EFT वगैरह, हाँ, जब जब लगता है तब EFT वगैरह करती हूँ, मेडिटेशन भी कभी कभी करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है शायद वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। हो सकता है सेल्फ हिप्नोसिस सीखो, मैं सिखाते रहता हूँ, सेल्फ हिप्नोटिज्म, है ना। थैंक यू सर।